रविवार की रात्रि को नए बस स्टैंड पर कृष्णा गार्डन के पास बने बबूल खान के कंप्रेसर पर भूरा गौड़ नामक युवक ने हमला कर दिया और झगड़े में कंप्रेसर संचालक बबूल खान बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बबूल को शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने बबूल को मृत घोषित कर दिया। हत्या के उपरांत फरार आरोपी को महज 6 घंटे के अंदर शहर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नए बस स्टैंड पर गत रात्रि हुए भीषण झगड़े में बबुल मियां की हत्या के आरोपी भूरा गौड़ की तलाश के लिए अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भारत भूषण शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुमी देसाई के नेतृत्व में आरोपी को पकड़ने के लिए जांच दल तैयार किए गए और जांच दलों ने जगह जगह दाबिश मारी। मुखबिर की सूचना के आधार पर जांच दल ने स्थानीय तिरंगा चौक के पास दुल्हन गार्डन के आसपास जांच पड़ताल की, तब आरोपी भूरा दुल्हन गार्डन के पास से रात्रि करीब 3:30 बजे पुलिस के गिरफ्त में आ गया, जिसके बाद से ये शहर थाना पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। साथ ही शहर थाना पुलिस ने आरोपी से उसका मोबाइल जब्त कर लिया है और आरोप में उपयोग हथियार की तलाश नगर थाना पुलिस कर रही है। थाना प्रभारी सुमी देसाई उक्त अपराध में आरोपी भूरा गौड़ पर भारतीय दंड संहिता के तहत 302 का अपराध कायम कर प्रकरण को जांच में लिया गया है। इस विषय में विदिशा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय साहू ने बताया कि इस पूरे हत्याकांड की जांच चल रही है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और अभी एक की शनाख्त नहीं हुई है। वहीं मेडिकल परीक्षण के बाद मृतक को पुलिस की निगरानी में सुपुत्र एक खाक किया गया। नगर में तनाव की स्थिति ना बने इसलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। कल इन्फॉर्मेशन आई थी शाम के समय करीब 9 से 9:30 बजे के बीच की घटना है। बस स्टैंड के सामने एक मोटर गैरेज है, इसमें गाड़ियां धुलाई और रिपेयरिंग का काम भी होता है। ये बबलू खान का है और बबलू के ऊपर चाकू से हमला करके और उसको गंभीर रूप में घायल कर दिया गया था। उसके यहाँ काम करने वाले 2 लड़के उसको लेकर के अस्पताल गए थे। अस्पताल में जब पहुँचे तो बबलू की मृत्यु हो चुकी थी। इस पर थाना गंज कस्बा शहर के अंदर 302 के अंतर्गत 2 आरोपी के ऊपर पकड़ किया गया है। एक आरोपी की इसमें शिनाख्त भूरा गौड़ के रूप में हुई है और दूसरे आरोपी की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। इसमें तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी और पहुंच करके जो घायल है उसको हॉस्पिटल लाया गया था। हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ परंतु अनफॉर्चुनेटली उसकी तत्काल डेथ हो गई। इसमें 324 के अंतर्गत पंजीबद्ध है, आरोपी की तलाश की जा रही है। अभी इसमें एक्चुअली नाम क्लियर नहीं हो पाया है, जैसे ही क्लियर होगा उसके बारे में उसकी अरेस्टिंग की जाएगी। सर, आरोपियों ने कुछ बताया कि घटना के पीछे क्या कारण था, क्यों उन्होंने? जो मेन आरोपी पकड़ा गया है पूरा, उसका ये कहना है कि उसने कुछ 2.5 लाख रुपए मृतक को दिए थे, जबकि मृतक और उसके रिश्तेदार और उसके परिवार के लोगों का कहना है कि मृतक की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, उसको किसी प्रकार की कोई पैसे की कोई आवश्यकता कभी पड़ती नहीं थी, क्योंकि इनफैक्ट वो लोगों की खुद स्वयं सहायता किया जाता था पैसे। तो ये रीज़न उनके परिवार के लोगों ने डिनाई किया है। बाकी दूसरा रीज़न ये भी था कि मृतक का जो गैरेज था वो काफ़ी अच्छा चलता था और आरोपी का गैरेज नहीं चलता था। आरोपी पहले मृतक के गैरेज में ही काम करता था, इसी बिजनेस राइवलरी के कारण संभवतः ये हत्या हुई है। सर, आरोपी कहाँ से गिरफ्तार हुआ? आरोपी को अभी वसुधा पुलिस ने अभी जस्ट पकड़ा है और दूसरा आरोपी तलाश की।